हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इसके पहले के वीडियो में हमने यहाँ पे डायनामिक माइक के लिए प्री एम्पलीफायर बनाया था और उसे टेस्ट किया था। तो आज के इस वीडियो में मैं इसे किस तरीके से एम्पलीफायर में लगाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डेटा शीट है, डेटा शीट के पूरे कंपोनेंट हम जीरो पीसीबी में ले लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे जीरो पीसीबी में ले लिए हैं, तो यहाँ पे पूरे कंपोनेंट यहाँ पे लगा दिए और उसको ग्राउंड को लेके यहाँ पे एक एक वायर निकाले हैं एक्स्ट्रा। तो जैसे कि ये जो है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट और ग्राउंड को लगा के एक दो वायर निकाले हैं। तो ये इस तरीके से दो वायर हो चुके, और यहाँ पे जो आउट है आउट और ग्राउंड लेके दो वायर निकाले हैं, और यहाँ पे जो माइक है माइक और ग्राउंड लेके यहाँ पे दो वायर निकाले। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 6 वायर निकल चुके हैं। तो इसे हम लगाएंगे एम्पलीफायर में। तो देखिए किस तरीके से लगाना है। तो इसे मैं बाजू में रख देता हूँ। तो ये है हमारे पास एम्पलीफायर। तो ये हमारे पास 4440 का एम्पलीफायर है और इसमें हम लगाने वाले हैं। तो इसमें हम इस तरीके से कनेक्शन करने वाले हैं। तो जो जो एक साइड है, एक साइड पर यहाँ पे जो मॉड्यूल है वो चलने वाला है, और एक साइड पर यहाँ पे सिर्फ माइक चलने वाला है। तो किस तरीके से करना है देखिए। तो इसे मैं खोल देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे स्क्रू निकाल दिया है और इसे मैं खोल दिया हूँ, उसे हम टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं गाइज, यहाँ पे जो ये जो मॉड्यूल का वायर है, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट दिया गया है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन करने वाले हैं, यहाँ पे लेफ्ट और राइट वो एक ही साइड में जाए। इसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं कैपेसिटर। तो इस तरीके से कैपेसिटर है हमारे पास यहाँ पे 4.7 UF 50 वोल्ट के। तो यहाँ पे हम दो कैपेसिटर लेने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दो कैपेसिटर है और इसे हम इस तरीके से लगा देंगे। तो जैसे कि इसके जो ग्राउंड है, ग्राउंड ग्राउंड को एक मिला देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम किस तरीके से करने वाले हैं, यहाँ पे लगेगा लेफ्ट और यहाँ पे लगेगा राइट। इस तरीके से लेफ्ट राइट लगेगा, और ये जो बीच का जो वायर है जो कॉमन हो चुका है ये लगेगा एक साइड पर। तो हमारा जो ऑडियो है एक साइड पर ही बजेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है लेफ्ट और राइट निकाल दूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारे जो है लेफ्ट और राइट कनेक्शन लग चुके हैं, और इसे हम एक साइड पर लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा कनेक्शन लग चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दूसरी साइड है यहाँ पे हम लगाएंगे माइक। तो हमारा जो माइक का प्री एम्पलीफायर का यहाँ पे जो है आउट है यहाँ पे लगेगा, यहाँ से इन होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, तो इसमें जो है रेड वाला पॉजिटिव है, तो रेड वाला जो है आउट है, जो माइक का जो ऑडियो आउट होने वाला है वो इसमें लगाने वाले हैं। और इसका जो ये है गाइस, ये ग्राउंड का है। तो इसे मैंने जो मॉड्यूल का ग्राउंड है वहीं पे हमने ग्राउंड लगाया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लग चुका है। एक मिनट, इसका वायर टूटा है, इसे लगा देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे जो है कनेक्शन लेफ्ट और राइट के लिए यहाँ पे अलग अलग कनेक्शन हो चुके हैं यहाँ पे। तो अभी हम इसमें पावर लगाएंगे। पे पावर लगाने के लिए एकदम इजी है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बड़ा कैपेसिटर है, यहाँ पे हमें पावर लगा सकते हैं, पर यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमारी हमिंग आएंगी। यहाँ पे जो बेस ट्रेवल फिल्टर है, बेस ट्रेवल फिल्टर पर यहाँ पे जो है कैपेसिटर है, ये इसका जो है पावर सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे। अगर इस सप्लाई पर नहीं लगाना चाहते, इसे अलग बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सर्किट डायग्राम है, एकदम इजी सर्किट डायग्राम है। जैसे कि यहाँ पे जो मेन पावर है, जो मेन पावर क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो है प्री एम्पलीफायर के हिसाब से यहाँ पे हमारे पावर आएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारे वायर कनेक्शन है। तो इसमें क्या करूँगा, मैं पावर सप्लाई यहाँ पे लगा दूंगा जो बेस ट्रेबल के फिल्टर पर। यहाँ पे जो कैपेसिटर का वाइट रिबन है, यहाँ पे जो है मैंने ग्राउंड लगाया है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है हमारे जो पावर के वायर लग चुके हैं यहाँ पे। अभी इसे टर्न कर लेता हूँ और इसे मैं साइड कर देता हूँ, और इसे मैं क्या करता हूँ, स्क्रू लगा के अच्छे से ग्राउंड कर देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है बोर्ड को ग्राउंड लग चुका है अच्छे से। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो है माइक के वायर बचे हुए हैं, ये लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सॉकेट है इस तरीके से, तो सॉकेट पे जो ये है पॉजिटिव लगाएंगे। तो इसका जो पॉजिटिव है, ब्लू वाला पॉजिटिव है और ग्रीन वाला नेगेटिव है, तो
तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगाऊंगा और नेगेटिव पीछे लगा दूंगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारे जो है कनेक्शन लग चुके हैं यहाँ पे माइक के लिए। तो इस तरीके से ये हमारा हो चुका है कंप्लीट वायरिंग, और इसे मैं बाजू में रखूँगा, बाद में इसे टेप करके यहाँ पे कवर करके यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो चुका है। इसे अभी मैं पावर दूंगा, पावर देके यहाँ पे वेरिएशन आता है या नहीं वो चेक करूँगा। पावर लगाने से पहले यहाँ पे स्पीकर इस तरीके से लगा दिया हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है हमारा जो ऑडियो आएगा एक साइड पर हमने कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑडियो एक साइड पे बजेगा और यहाँ पे जो है माइक आएगा। तो जैसे कि हमारा मॉड्यूल इस तरीके से अलग रखा हूँ मैं, तो ये किस तरीके से चलता है देखिए। तो ये मैं इसे साइड में रख देता हूँ, ठीक है, और ये जो है इस पर ऑडियो आएगा, तो मैं इस पर पावर ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑडियो आ रहा है, तो यहाँ पे जो है माइक चलना चाहिए, तो मैं इसमें वेरिएशन आ रहा है ये चेक करूँगा। तो यहाँ पे जो है हमारा हमने यहाँ पे मॉड्यूल लगाया था ये, तो इसका जो है वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसमें माइक का कनेक्शन करने वाला हूँ, तो माइक का कनेक्शन करके देखेंगे। तो पावर ऑन, हेलो 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 माइक टेस्ट, हेलो 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 1 2 3, हेलो हेलो माइक टेस्ट, हेलो 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 1 2 3। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है माइक कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज इसमें माइक कनेक्ट होता है। तो कैसा लगा गाइज कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज़।